बच्चों, आज हम कक्षा चौथी हिंदी पाठ्यपुस्तक अमीर खुसरो की पहेलियाँ पढ़ेंगे। पहेलियाँ जिसे छत्तीसगढ़ी में जनौला कहते हैं, और यह दिमाग का खेल होता है, बुझने बुझाने का खेल होता है। पहला है, धूप से वह पैदा होवे, छाँव देख मुरझाए, ऐ सखी मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए, हवा लगे मर जाए। अमीर खुसरो कहते हैं कि वह क्या चीज़ है जो धूपों से वह पैदा हो जाती है और छाया देखकर मुरझा जाती है। ऐ रिसखी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वह क्या है जो हवा लगने से मर जाती है? वह है पसीना। दूसरा है, एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग, फिर भी दोनों संग। अमीर खुसरो कहते हैं एक नारी के दो बालक हैं और दोनों का रंग एक जैसा है, एक फिरता है और एक ठाड़ा रहता है सीधा, फिर भी दोनों संग रहते हैं, वह क्या है? तो वह है आटा चक्की। इसमें एक जो है नीचे वाला वह ठाड़ा रहता है और ऊपर वाला फिरता रहता है, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में जाता भी कहते हैं। अगला है, आदि कटे तो सबको पाले, मध्य कटे तो सबको मारे, अंत कटे से सबको मीठा, खुसरोवा को आँखों दीठा, खुसरोवा को आँखों दीठा। अमीर खुसरो कहते हैं आदि प्रारंभ, मध्य बीच का अंत, अंतिम वाला। यदि हम प्रारंभ के अक्षर को काट देते हैं तो वह सबको पालने वाला बन जाता है, और मध्य के अक्षर को हम काट देते हैं, हटा देते हैं, तो वह सबको मारने वाला बन जाता है, और जब अंत के अक्षर को हटा देते हैं तो वह सबको मीठा लगने लगता है। तो वह शब्द कौन सा है, और खुसरो इसे आँखों में देखते हैं, दीठा मतलब दिखाई देना, तो इसे आँखों में देखते हैं, बताओ वह क्या है? तो वह है काजल। ये है काजल। अगला, एक कहानी मैं कहूँ, तू सुन ले मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया, बांध गले में सूत, बांध गले में सूत। अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं एक कहानी कह रहा हूँ, उसे मेरे पुत्र सुन ले। सूत मतलब धागा, पर मतलब पंख। वह क्या चीज़ है जो गले में धागा बांधकर बिना पंखों के ही उड़ गया? तो वह है पतंग। ये है पतंग। इसके गले में सूत है और यह बिना पंखों के ही उड़ जाता है। अगला है, सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यो कहे, तू बूझ पहेली मोरी, तू बूझ पहेली मोरी। अमीर खुसरो कहते हैं कि सावन भादो बरसात में वह बहुत चलता है, और माघ पूस में जब बरसात बंद हो जाता है तो वह कम हो जाता है। बूझो और बताओ कि वह क्या है? तो वह है नाली, जो कि बरसात के समय में ज़्यादा चलता है और माघ पूस में यह कम हो जाता है, तो इसका उत्तर आएगा नाली। अगला है, बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया, अमीर खुसरो यो कहे, तो बूझ पहेली मोरी,
तू बुझ पहेली मोरी। अमीर खुसरो कहते हैं कि मैंने 200 का सिर काट लिया है, फिर भी ना तो मैंने किसी को मारा है और ना ही खून किया है, तुम बूझो वह क्या है। वह है नाखून। यहाँ देखते हैं कि इन हाथों में हो गए 10 और पैर में हो जाएंगे 10, इस प्रकार से 20। तो 20 का सिर उसने काट दिया है, लेकिन वह ना तो किसी को मारा है और ना ही खून किया है, तो वह है नाखून। अगला, जल जल चलती बस्ती गांव, बस्ती में नाबा का ठाव, खुसरो ने दिया वा का नाव, बुझ अर्थ नहीं छोड़ो गांव, बुझ अर्थ नहीं छोड़ो गांव। अमीर खुसरो कहते हैं कि वह पानी में ही चलती है और एक गांव से दूसरे गांव जाती है, पर उस गांव में ठाव जगह नहीं, जगह और वाका मतलब उसके लिए, उस बस्ती में उसके लिए कोई जगह नहीं है। खुसरो ने उसे एक नाम दिया हुआ है, तुम इसे बूझो नहीं तो फिर यह गांव छोड़कर चले जाओ, वह क्या है। तो वह है नाव। यह जो है पानी में चलती है और एक गांव से दूसरे गांव जाती है, लेकिन गांव में इसके लिए स्थान नहीं होता है। अगला है, घूम घूमे लाल लहंगा पहने, एक पांव से रहे खड़ी, आठ हाथ है उस नारी के, सूरत उसकी लगे परी, सूरत उसकी लगे परी। अमीर खुसरो कहते हैं वह घूम घूम कर लहंगा पहने हुए है, एक पांव से खड़ी रहती है और उस महिला के आठ हाथ है और उसका चेहरा जो है एक परी के जैसे लगता है, बताओ वह क्या है। वह है छाता। इसमें यह उसका पैर है और जो कपड़ा दिखाई दे रहा है वह उसका लहंगा है, अंदर में आठ जो है उसके हाथ होते हैं, तो इसका उत्तर आएगा छाता। अगला, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसका एक नगीरे, मोती उसका एक नगीरे। अमीर खुसरो कहते हैं कि एक थाल ऐसा है जो मोतियों से भरा हुआ है और वह हमारे सिर पर औंधा उल्टा लटका हुआ है, वह थाली चारों तरफ घूमती है फिर भी उसका एक भी मोती नहीं गिरता है, बताओ वह क्या है। तो वह है आकाश में चांद तारे। ये जो आकाश में चांद तारे हैं, वह जो हमारे सिर पर उल्टा लटका हुआ है, ये तारे मोतियों के समान है फिर भी यह जो है नहीं गिरता है, तो इसका उत्तर आएगा आकाश में चांद तारे।